नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनपद इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के अंदर नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने के बाद वसूली की बात कही गई। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा गया है। दरअसल दोस्तों, क्या है पूरी खबर, आपको सारी अपडेट देंगे, लेकिन अगर आप भी नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के अंदर नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन के कारण सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा और वसूली के लिए जारी किए गए रिकवरी नोटिस को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा गया है और पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को लेकर क्या कहना चाहती है। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर इस याचिका के दौरान कुछ बातें कही गई है, जिसमें कहा गया कि 94 साल की उम्र में 6 साल पहले मृत्यु हो चुके एक व्यक्ति तक को नोटिस भेजा गया है। यानी साफ तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से रिकवरी का नोटिस उन लोगों तक को भेज दिया गया है जिनकी मृत्यु 6 साल पहले हुई है, और इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो नोटिस भेजा गया है उसे रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, और सुप्रीम कोर्ट की ओर से अब उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजकर पूछा गया है कि इस पर सरकार का क्या कुछ कहना है। उत्तर प्रदेश सरकार की राय आने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर आगे फैसला लेगा। इसी के साथ एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर दोस्तों अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी बताए जाने पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद की मुश्किलें बढ़ी है, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेज दिया है। हम आपको बता दें कि पश्चिमी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद परवेश सिंह वर्मा मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी बताए जाने वाले बयान को लेकर चुनाव आयोग ने गुरुवार को उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग के द्वारा जारी नोटिस के अंदर वर्मा से 31 जनवरी यानी आज शाम 5 बजे तक इस मामले को लेकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। आयोग ने आम आदमी पार्टी के द्वारा 29 जनवरी को इस बारे में की गई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए ये जानकारी दी है। इसी के साथ इस नोटिस के दौरान ये बातें कही गई है कि एक समाचार चैनल के साथ बातचीत के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा केजरीवाल पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए आतंकवादी बताया गया था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से पूछा है और उनसे कहा कि क्या आपके काम करना आतंकवाद करने जैसा है, और ऐसे में दिल्ली की जनता का बीजेपी ने अपमान किया है और इसका जवाब दिल्ली की जनता जरूर देगी। अरविंद केजरीवाल की ओर से ये बयान आया है। दरअसल दोस्तों, एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने शाहीनबाग के अंदर प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की थी और इस मामले को लेकर उन पर FIR दर्ज हो गया है। हम आपको बता दें कि अपने बयानों को लेकर हमेशा से पश्चिम बंगाल के चीफ और सीनियर पार्टी के नेता दिलीप घोष विवादों में रहते हैं, और एक बार फिर से उन्होंने ऐसा बयान दिया। उन्होंने शाहीनबाग में चल रहे प्रदर्शन को लेकर विवादित टिप्पणी की थी और इस मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354A, 509, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उनकी टिप्पणी पर विपक्षी पार्टियों ने आलोचना की है। भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण कोलकाता के अंदर एक रैली का आयोजन किया था और इस दौरान दिलीप घोष की ओर से कुछ बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया में चली गोली के खिलाफ और शाहीनबाग में प्रदर्शन कर रही महिलाओं के खिलाफ विवादित बयान दिया था। और एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बजट के सेशन से पहले दोनों सदनों के एक साथ बुलाई गई बैठक को संबोधित करते हुए नागरिकता संशोधन कानून का जिक्र किया, और उनके नागरिकता संशोधन कानून के जिक्र करते ही बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने ताली बजाना शुरू कर दिया। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आई है, जिसमें विपक्षी नेताओं ने भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन कानून की चर्चा करने के बाद राष्ट्रपति के बयान के तुरंत बाद ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के शासन के भाषण के दौरान नागरिकता संशोधन कानून की चर्चा आने का विरोध किया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, जहां पर दोस्तों नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया है। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री की ओर से एक विवादित बयान दिया गया था, जिस पर विपक्षी नेताओं ने कहा कि गोली मारना बंद करो और इस तरह के बयान देना बंद करो। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता की ओर से गोली मारने की बात कही जा रही थी, जिस पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है, और इस दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद रहे। और इसी के साथ दोस्तों, शाहीनबाग के अंदर चल रहे प्रदर्शन को लेकर चुनाव अधिकारी ने कहा कि प्रदर्शन से 5 बूथों तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। प्रदर्शन को लेकर ये खबरें आ रही थी कि प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने सड़कें रोक रखी है और कई जगह जाम कर रखा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की ओर से भेजे गए प्रतिनिधि ने पूरे इलाके के हालात के बारे में चर्चा की है और जानकारी इकट्ठा की है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि 5 बूथों पर वोटिंग होगी और 5 बूथों पर जाने के लिए किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं है, और इसीलिए शाहीनबाग के प्रदर्शन को लेकर ये बड़ी खबर मानी जा सकती है। जहां पर एक और शाहीनबाग के अंदर चल रहे प्रदर्शन को खत्म करने की बात बीजेपी कर रही है, वहीं पर दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन की ओर से ये बयान आया है। एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर दोस्तों राम के नाम पर सत्ता में आए थे लेकिन नाथूराम गोडसे का देश बना रहे हैं, कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। कन्हैया कुमार ने लिखा कि नफरत में अंधा होकर आजाद भारत के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने 72 साल पहले महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी, क्योंकि उसे लगता था कि बापू देश के गद्दार हैं।
हैं और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि राम का नाम लेकर सत्ता में आए हैं लेकिन नाथूराम का देश बना रहे हैं। कन्हैया कुमार के इस बयान को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता भड़कते हुए दिखाई दिए और कन्हैया कुमार को देशद्रोही बताने लगे। और इस मामले को लेकर दोस्तों ये बड़ी खबर आ रही थी। इसी के साथ हम आपको बताएं कि पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस नाम की बीमारी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी है। WHO ने अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमन आपात समिति की बैठक बुलाई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया है। हम आपको बता दें कि चाइना के अंदर अब तक 213 लोगों की मौत हो चुकी है और 2000 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं और ऐसे में तकरीबन 22 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां पर इस बीमारी को पाया गया है। यहां तक कि भारत के एक व्यक्ति की इस बीमारी से मृत्यु की भी खबर आई है और साफ तौर पर ये एक बड़ी खबर के तौर पर देखा जा सकता है। और विश्व भर के अंदर कोरोना वायरस नाम की इस बीमारी को लेकर अब लगातार सरकारों की ओर से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों ये सारी अपडेट आ रही थी जिसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। हम आपको बता दें कि आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर दे सकते हैं। आपको खबर कैसी लगी? आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। का फायदा आपने उठा लिया होता। हम आपको बता दें कि उन्होंने इशारों इशारों में तंज कसा है। आपको खबरें कैसी लगी? वीडियो को लाइक